जब तुम जा रहे थे तो मुझे लगा था अब तो तुम ताईजान को मना के लेकर ही आओगी, मगर फिर जब तुम्हें और फरीद भाई को खाली हाथ लौटते देखा तो समझ गई कि ताईजान ने अपनी ही मनवाई होगी। क्या करें, बड़ी हैं और उनकी बात की अहमियत भी तो है ना। सॉरी जुनेद, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं चाहती हूं तुम मजबूत हो, तुम्हारी बात की अहमियत हो, जिसे ताईजान भी तस्लीम करे। ईशल, क्या कर रही हो? कुछ ढूंढ रही थी। क्या? बहुत कुछ। भाभी, आपको नहीं लगता कि इस कमरे में बहुत से राज छुपे हैं और अब उन राजों से पर्दा उठ जाना चाहिए? कुछ राजों पर पर्दा पड़ा रहे तो ही अच्छा होता है। इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ जानती हैं। हाँ, जानती हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो ठीक नहीं कर रही। ठीक आप नहीं कर रही, खुद भी धोखा खा रही हैं और फरीद भाई को भी धोखे में रखा है। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही ईशल, बस एहसानों का बदला चुका रही। अच्छा, ताईजान भी एहसान कर सकती हैं किसी पे? वो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। यही समझने की कोशिश कर रही हूं मैं। ईश्वर, तुम यहां से जाओ प्लीज। ठीक है, मैं यहां से चली जाती हूँ, क्योंकि अभी आपको मेरा यहां रुकना ठीक नहीं लग रहा, मगर मैं फिर आऊंगी और इस राज को जानकर ही रहूंगी। ताईजान घर पर नहीं थी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मुझे।